सकता हूँ कि वो कितने मासूम थे और क्या से क्या हो गए देखते देखते भैंस की यहाँ। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को, मैं धनंजय तिवारी स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस चैनल महाकाल के सेवक में। और ऐसे ही था ये शुरू में जो बोल गया मैं, वो जिनको समझना था वो समझ जाएंगे देख के, ठीक है। शेर को गिराने के लिए कुत्तों की फौज तैयार की जा रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये कोई आम शेर नहीं है, ठीक है। जंगल के अपने नियम कानून होते हैं, उन नियम कानूनों को मानना पड़ता है। और उस जंगल में शेर अपनी ताकत से राजा बोल कहलाता है, उसको कोई वहाँ पे चुनाव करके नहीं खड़ा किया जाता, ठीक है। जिसको समझना होगा वो अच्छे से समझ जाएगा, नहीं समझना होगा तो भाई हरिओम, जय श्री महाकाल। और अब बात करेंगे मुस्लिम तंत्र की, ठीक है। मुस्लिम तंत्र के बारे में जितना मैंने जाना है, मेरे जो मुस्लिम मित्र हैं मेरे और कुछ साधक भी हैं ऐसे जिन्होंने मुस्लिम साधनाएं की हैं, ठीक है, तो वो लोग मेरे को बोलते हैं कि तुम भी करो मुस्लिम साधनाएं जो होते हैं, मुस्लिम तंत्र की जो चीज़ें हैं, जिन्न जिन्नात पीर फकीर ये सब तुम भी करो, फ़ायदा करेगी मेरे को। तो मेरा तो देखिए सीधी सी बात, मेरा तो एक ही जवाब होता है ऐसी चीज़ों पर कि मेरे को मेरे धर्म में पूजने के लिए देवी देवता बहुत है, मेरे को किसी की कब्र पर जाकर अपना माथा फोड़ने की आवश्यकता है नहीं। क्योंकि पता क्या बात है, देखिए मैं बताता हूँ, मुसलमानों में जो पीर होते हैं, ठीक है, पीर होते हैं, फ़कीर होते हैं, ठीक है, और जिन्न जिन्नात, कुछ मुस्लिम इल्म होते हैं, मुस्लिमों के भी कुछ शाबर मंत्र होते हैं जो इस समय आप ये उर्दू में लिखा हुआ देख रहे हैं ना, ये भी मुस्लिमों का एक शाबर मंत्र ही है जो रक्षा के लिए प्रयोग में किया जाता है, आयतुल कुर्सी बोला जाता है इसे, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं उस धर्म में भी, ठीक है, और निसंदेह फ़ायदा देती हैं। लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ है मैं बताता हूँ आपको, कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मेरे को अगर अपने घर में जाना है, अपने घर में मतलब अपने घर के अंदर मेरे को जाना है, तो मेरे को किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, मतलब मेरा घर है भाई, मैं जब मर्जी जब जा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन दूसरों के घर में घुसने के लिए आपको उसकी आज्ञा लेनी पड़ती है, ठीक है, जिसके घर में आप घुसना चाह रहे हो। और तीसरी चीज़ कि जिसके घर में आप घुस रहे हो आप परमानेंट उस घर में रह नहीं सकते, ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप लोग मुस्लिम तंत्र की साधना कर भी लेते हो, ठीक है, करते भी होंगे लोग करते हैं, बड़ी बड़ी बहस दे रखी है साधना लोगों ने यूट्यूब पर, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा आगे लेके जाएंगी नहीं, ठीक है। क्योंकि मुस्लिम तंत्र का जो सबसे बड़ा जो पीर है, आखिरकार है तो वो भी एक कब्र का ही, मतलब है तो वो भी एक मजार ही, कब्र ही तो है और क्या है। और इन पीरों को हमारे हिंदू धर्म में भूत कहा जाता है, ठीक है। अब आप में से कई सारे होंगे जिन्होंने पीर फकीर सिद्ध कर रखे हैं और जिनको मेरी बात बुरी लग जाएगी, तो चला लेना अपने पीर पूर मेरे ऊपर, ठीक है, कोई दिक्कत मेरे को है नहीं उस चीज़ से। तो अब सवाल ये होता है कि ये चीज़ें गलत है या सही है। देखिए जिस प्रकार हमारे धर्म में कुछ चीज़ें सही हैं कुछ चीज़ें गलत हैं, ठीक है, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में भी या मुस्लिम तंत्र में भी चीज़ें सही हैं और चीज़ें गलत भी हैं। बात वहीं पड़ जाती है घूम फिर के कि उन चीज़ों का प्रयोग किस तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। जैसे मेरे भाई ने एक अभी पिछली मेरी एक वीडियो पर कमेंट किया है कि इबलीस जिन ज़्यादा शक्तिशाली है या माँ काली ज़्यादा शक्तिशाली है, तो मैंने उनको बोला कि माँ काली शक्तिशाली है, तो वो बोलते कि इबलीस जिन दुनिया का सबसे शक्तिशाली जिन है, पहाड़ उठा सकता है, पहाड़ तोड़ सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, ठीक है। तो मैंने उनके उस पर कमेंट किया कि आप बात कर रहे हो दुनिया के सबसे शक्तिशाली जिन्न की, और मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्मांड की अखिल स्वामिनी माँ काली के बारे में, तो आप खुद समझदार है कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। जिसके पास काली की शक्ति हो, जिसके ऊपर काली का आशीर्वाद हो, उसे किसी जिन पीर फकीर से डरने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं कि ये चीज़ें कितना सही हैं हमारे लिए, मतलब अगर ठीक है, मैं ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि जिन्न वगैरह जो हैं वो सही होते हैं, अच्छे भी होते हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, लेकिन हमारे लिए चीज़ें कहाँ सही हैं। देखिए पता है कि मेरा तो ना एक सीधा सा हिसाब है कि जो अपने धर्म को छोड़ करके और दूसरों के धर्म की साधनाएँ कर रहा है, ये वही लोग होते हैं जो बचपन में टॉफ़ी के लालच में पड़ोसी को पापा बोल देते हैं,
ठीक है। तो मेरे जो पापा हैं भगवान भोलेनाथ, ठीक है, मेरे को अगर कुछ मांगना होगा तो मैं उन्हीं से मांगूंगा भाई सीधी। अब देखो पर्सनल अपना अपना ओपिनियन है, ठीक है, किसी को पड़ोसी को पापा बोलने में ज़्यादा मज़ा आता है तो कोई अपने पापा के साथ खुश है, मैं अपने पापा के साथ हूँ, खुश हूँ, बहुत अच्छे से खुश हूँ, मेरे को सब कुछ दिया उन्होंने, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मेरे भोलेनाथ ने मेरे को ना दी हो, नाम दिया, सम्मान दिया, ऐश्वर्य दिया, सिद्धियाँ दी, शक्तियाँ दी, सब कुछ दिया, दोस्त दिए, परिवार दिया, सब कुछ दिया है, तो मैं क्यों किसी की पीर की मजार पे जाके अपना माथा तोड़ूं यार। एक ऐसी चीज़ जो केवल हवा मात्र है, जिसका कोई वजूद नहीं, ठीक है। अब सीधी सी बात है भाई मेरे, देखो ये है शक्ति परीक्षण, ठीक है, ये है शक्ति परीक्षण का विषय कि अब जैसे उन्होंने बोला कि जिन्न ज़्यादा शक्तिशाली है या माँ काली ज़्यादा शक्तिशाली है, तो भाई साहब ऐसे पूछने से तो पता नहीं चलेगा ना, चलाओ उसको, उस चीज़ को चलाओ मेरे ऊपर और देखो फिर क्या रिज़ल्ट आता है उसका। मेरे को कुछ तकलीफ़ होती है, आपका जिन्न, मेरा आपका जिन्न, आपका पीर जो भी है, मेरा कुछ बिगाड़ पाता है कि नहीं बिगाड़ पाता। हालांकि कई बार हुई है कोशिशें, लोगों ने अपने पीर पूर चला दिए मेरे ऊपर, लेकिन हुआ कुछ नहीं है उस चीज़ का, ठीक है, और बाद में वही पीर फिर हाथ जोड़ जोड़ के गए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और किस्सा सुनाता हूँ आपको, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कुछ समय पहले मैं एक मित्र के साथ अपने किसी दोस्त के घर पे गया, तो अब हालांकि होने को वो हिंदू है, लेकिन उसने मेरे को एक ऐसी बात बताई, उसने मेरे को बोला कि मेरे अंदर पीर का प्रवेश होता है, प्रवेश मतलब जैसे सवारी आती है हम देवी देवताओं की, हमारे देवी देवताओं की सवारी आती है, तो उसने मेरे को बोला कि मेरे ऊपर पीर का प्रवेश होता है, मैं पीर को जब चाहूँ तब बुला सकता हूँ, वो आता है मेरे को, और किसी के अंदर भी कोई भी चीज़ होगी तो वो उसे निकाल लेता है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे ऊपर किसी शक्ति का हाथ है तो वो मेरे मुंह से उस शक्ति को बुलवा देगा कि हाँ तू है कौन, ये चीज़ उसने मेरे से चैलेंज करके मेरे से बात बोली, ठीक है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि ठीक है जब बात चैलेंज की है तो कर लो कोशिश। उसने अपनी जैसे प्रॉपर गद्दी वद्दी लगाते हैं लोग, वैसे उसने अपना पूरा का पूरा लगाया हुआ था तंबूरा, अपना तंबू खड़ा किया हुआ था, उसके अंदर पीर पूर की फ़ोटो दुनिया भर की, और वहाँ पे उसने पंख मोर पंख वगैरह रखे हुए थे सारे, जैसे तरीके से लोग गद्दी लगाते हैं वैसे लगा रखी थी उसने, और मेरे को उसने बिठाया वहाँ पे, और करीब आधे घंटे तक हक्षाबीर हुक्षाबीर क्या क्या बोले जा रहा मेरे को कुछ नहीं पता, ठीक है, पता नहीं क्या क्या इल्म पढ़े उसने कुछ नहीं पता मेरे को, लेकिन मेरे को प्रवेश, मेरे ऊपर सवारी आनी तो बहुत दूर की बात है, मेरे हाथ पैर तक नहीं हिले, ठीक है। वो लगा पड़ा था भाई आधे पौने घंटे तक उसने दबा के उसने अपनी कोशिशें करी, लेकिन मेरे ऊपर वो मेरे भैरवनाथ को नहीं चला पाया, ठीक है। क्यों, अब मैं बताता हूँ आपको। इतना होने के बाद में उस बंदे ने मेरे को बोला कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा पीर ऐसे नहीं कर पाया, शायद तुम्हारे पास कोई शक्ति है ही नहीं, ठीक है। तो इतने में वो बोलता है कि मेरे को उसके अंदर से एक आवाज़ आई, कहता है कि मेरी औकात नहीं इनके सामने जाने की, उस पीर ने ये बात बोली उसके अंदर से, ठीक है, मेरी औकात नहीं है इसके सामने जाने की, ठीक है ना। तो इसके बाद मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि मैं तेरे को दिखाता हूँ शक्ति क्या है और शक्ति होती क्या है। मैंने अपने ऊपर भैरवनाथ का आह्वान किया, मेरे कपाल भैरव आए मेरे ऊपर, और उन्होंने उस पीर के मुख से, उसके मुख से उन्होंने ये बात बुलवाई कि मैंने इस लड़के के ऊपर कब्जा कर रखा है, इसके दिमाग को मैंने अपने वश में कर रखा है। और जब सब कुछ उस पीर ने बोला तो आखिर में उस लड़के ने वहाँ से वो पीर की गद्दी उठा के फेंक दी उसी टाइम, ठीक है, और उसने भैरवनाथ के पैरों में गिर करके उनसे माफ़ी मांगी कि मैं दोबारा ये चीज़ें कभी करूँगा नहीं, ठीक है। तो ये तो बात थी भैरवनाथ की, और आप बात कर रहे हो माँ काली की, ठीक है। भैरवनाथ को माँ काली का बेटा बोला जाता, लाल बोला जाता उनको, ठीक है। जब उनके बेटे में इतना सामर्थ्य है तो आप माँ काली के सामर्थ्य पर कैसे उंगली उठा सकते हो, और आप कैसे ये बात बोल सकते हो कि काली ज़्यादा शक्तिशाली है या जिन्न ज़्यादा शक्तिशाली है। दुनिया का कोई भी जिन्न, चाहे वो दुनिया का कोई जिन्न हो, ठीक है, दुनिया का कोई भी जिन्न होगा, मेरे देवी देव, मेरी देवी भी छोड़ दीजिए, मेरी देवी भी दूर की बात है, मेरे भैरवनाथ के सामने अगर वो खड़ा हो गया तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के सब बंद कर दूंगा, ठीक है, तुम्हारा गुलाम बनने को मैं तैयार हूँ, अगर तुमने मेरे ऊपर अपने जिन्न का प्रहार करके मेरे को विचलित कर दिया तो, ठीक है, और नहीं कर पाए तो अपने जिन्न को विसर्जित करके मेरे से दीक्षा ले लेना, ठीक है, फिर मैं तुमको सिखाऊंगा कि शक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाता है। मेरे किसी भी धर्म के तंत्र से या किसी भी धर्म से कोई बहसबाजी नहीं है, ठीक है, ना ही मेरे को किसी से कोई मतलब है, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं मतलब रखूँ इन सब चीज़ों से,
लेकिन आप लोगों के मन में जो गलत फहमी है कि मुस्लिम तंत्र जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि मुस्लिम तंत्र में केवल कब्रों की पूजा होती है, मज़ारों की पूजा होती है, ठीक है, लेकिन हमारे धर्म में, हमारे तंत्र में हम महाकाल की पूजा करते हैं, माँ भैरव की पूजा करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं, ठीक है। और कोई भी मजार का पीर इतना शक्तिशाली नहीं है जो माँ काली और माँ भैरव के सामने खड़ा हो जाए, ठीक है। शक्ति परीक्षण करना है तो उसके लिए भी अनुमति है, जिसको जिनने चलाना है मेरे ऊपर चला लेना, ठीक है, और ना हो पाए ना तो मेरे शिष्य बन जाना फिर बाद में आके, मैं वो भी स्वीकार कर लूँगा, ठीक है। चीज़ें सब सही होती हैं, देखिए पता क्या होता है कि कोई भी चीज़ गलत नहीं होती, भगवान की बनाई हुई कोई भी भला ऐसी नहीं है, चाहे वो भूत हो, पिशाच हो, चुड़ैल हो, जिन्न जिन्नात कुछ भी हो, बुरी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग करना क्या चाहते हो, ठीक है, आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग क्या करना चाह रहे हो। क्योंकि सीधी सी बात है ना, अगर मैं अपने बाप से कुछ मांगूंगा तो जल्दी मिलेगा, दूसरे के बाप से मांगूंगा तो देर से मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा वो भी दिक्कत है, ठीक है। तो यही था, आप लोग को करनी है मुस्लिम साधना, आप करिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरा जो फ़र्ज़ था वो मैंने पूरा किया यहाँ पे, ठीक है। और अगर फिर वही बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी को लगता है कि उसका जिन्न जो उसके पास है या उसके पास कोई पीर है जो बहुत शक्तिशाली है, जो माँ काली के सामने और भगवान भैरवनाथ के सामने खड़ा हो सकता है, भेज देना मेरे पास, वो भी देख लीजिए, ठीक है। जय श्री महाकाल।